you know shelton dr halbert shelton of america no nope. he has done the maximum research on this huge number of books written in 1930s which are so relevant today and each and every word he wrote about diet about fasting about food and how he cured hundreds of patients just with raw is amazing amazing थे, थे। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्डन ही इज अमेरिकन डॉक्टर उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है वो एमडी के सिवाय उनके पास सत्ताईस डिग्रियां थी उन्होंने लगातार कई वर्षों तक नेचुरोपैथी किया और उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी हैं उन 35 पुस्तकों में हाइजीनिक सिस्टम वॉल्यूम वन टू तो 7 1200 पेजेस ईच इतना सारा काम उन्होंने किया है और संसार में वो ही एक लास्ट आदमी है जिन्होंने पूरे संसार में पूरे विश्व में किस किस नेचुरोपैथ ने मतलब जो मेडिकल थे या साइंटिफिक थे या नहीं साइंटिफिक थे लेकिन नेचुरल तरीके में क्या क्या लोगों ने क्या किया है वो सारी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाला है जो अमेरिकन डॉक्टर जो सुबह में मैंने बताया डॉक्टर हर्बर्ट एम शेल्टन उन्होंने काफी सालों तक जब उन्होंने एलोपैथी का प्रैक्टिस किया और उन्हें लगा कि एक छोटे को बच्चे छोटे से बच्चे को झुकाम हो गया था मैंने उसे दवाई दी उसका झुकाम मिट गया फिर से जब थोड़े समय के बाद में फिर से आया उसका झुकाम और बढ़ गया था उससे हायर मैंने ग्रेड की दवाई दी फिर झुकाम मिट गया फिर और करते करते 12, 15, 17 साल के अंदर वही बच्चा मेरे नजर के ही उसे अस्थमा हो गया है तो मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं या मैं उसके डिसीज को क्रोनिक कर रहा हूं ये एक ही आदमी लगातार इस बात को सोचा करता था और उसे रियलाइज हुआ कि हमारे मेडिकल साइंस में कुछ गलती है और हमें वो सुधारना चाहिए छ साल तक छह साल के अंदर सारे के सारे डिसीज के अंदर कोई भी दवाई के सिवा अच्छा होता है कि नहीं वो एज ए डॉक्टर उसने स्टडी कर दिया और अनाउंस किया छह साल के बाद में कि कोई भी दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है और हर बीमारी को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं और उन्होंने अपने टेक्सास में अपना जो क्लिनिक है 800 बेड का उनका क्लिनिक आज की तारीख में भी है 800 बेड का क्लिनिक आज की तारीख में है वहां से लेकर ये उपवास की थेरापी में उन्होंने पिस्तालीस हजार पेशेंट्स को डिफरेंट डिसीज के अंदर उपवास करा करके ठीक किया है और वो सारे के सारे अच्छे हुए हैं तीन दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है कोशिश करके तीन दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रह करके अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी झुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा आपके पेट में दर्द हो जाएगा शायद दस्त बहुत आ जाएगी शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो तीन दिन से ज्यादा उपवास करना चाहिए नहीं और तीन दिन से अगर ज्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा फिर भी चक्कर आ, आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है शेर पचपन दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा अगर हम आराम नहीं करेंगे चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं प्रश्न है उपवास करते हैं तो चक्कर आती है तो किस विधि से उपवास करना चाहिए अगर हम उपास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा अगर हम आराम नहीं करेंगे चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं तीन दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है कोशिश करके तीन दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रह करके अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी झुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा आपके पेट में दर्द हो जाएगा शायद दस्त बहुत आ जाएगी शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो तीन दिन से ज्यादा उपवास करना चाहिए नहीं और तीन दिन से अगर ज्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा फिर भी चक्कर आ, आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा अगर हम आराम नहीं करेंगे चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उपवास का फायदा होगा नहीं उपवास में चक्कर आती है बेसिकली क्या है कि